Okay, so welcome back second year and now we are going to discuss with our next topic osmoregulation को हम पूरा देख चुके हैं और होपफुली वो आपने सुन लिया और आपको अंडरस्टैंड हो गया है. तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टूवर्ड्स एक्सक्रीशन. ये भी बेसिकली होम्योस्टासिस का एक मैकेनिज्म है बिकॉज अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर नॉट गोइंग टू गेट एलिमिनेटेड तो दे वुड गेट एक्यूमुलेटेड इनसाइड द सेल्स और इनसाइड द बॉडी और सर्टन टिश्यूज और ऑर्गन्स. सो वहाँ पे दे मे बी प्रॉब्लमैटिक. तो जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी कि होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि वी आर एक्वायरिंग अ सर्टन रेंज ऑफ द थिंग्स. वी आर एक्वायरिंग वाटर टू बी जस्ट राइट इन द सेल. वी आर एक्वायरिंग सोल्यूट्स टू बी जस्ट राइट इन द सेल एंड वी आर एक्वायरिंग आर टेम्परेचर टू बी जस्ट सेट अप एट अ सर्टन पॉइंट. तो अगर एक्सक्रीशन के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर चले जाएं तो हम ये कहते हैं कि हम फूड लेते हैं फॉर द एनर्जी. ये हमारी बेसिक नेसेसिटी है, लेना ही लेना है. फूड हम लेते हैं फॉर एज आर नेसेसिटी. अब क्या होता है कि जो भी फूड हम टेकअप करते हैं दैट इज हैविंग मतलब डाइजेशन में देयर आर सर्टन रिएक्शंस गोइंग टू टेक प्लेस. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन लाइक दिस इज कन्वर्टिंग इनटू सम यूजफुल कंपोनेंट ऑफ इट एंड सम वेस्ट इज गोइंग टू प्रोड्यूस एज वेल. अब जो यूजफुल कंपोनेंट है उसमें आगे मेरे पास दो ऑप्शन है. या तो वो यूज अप हो जाता है उसी टाइम पे, राइट और या फिर कुछ अमाउंट इसकी किसी और फॉर्म में या इसी फॉर्म में डायरेक्टली स्टोर हो जाती है किसी और फॉर्म में. कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम ग्लूकोज लेते हैं. अब हमारी बॉडी में ग्लूकोज इज देयर तो ग्लूकोज ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर नहीं होता. ग्लूकोज इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन और लिवर सेल्स में दैट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड, राइट. सो अब क्या होता है कि कुछ पार्ट इसका यूजफुल है और कुछ इसका बाय प्रोडक्ट या वेस्ट जरूर बनेगा. इसको मैं वेस्ट कह लेती हूँ या मैं इसको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कह लें, एक्सक्रीटा कह लें, बाय प्रोडक्ट कह लें, कुछ भी कह लें. सो उसने कहा कि ये जो वेस्ट या बाय प्रोडक्ट है दिस मस्ट गेट एलिमिनेटेड. लाइक द बॉडी मस्ट गेट रिड ऑफ दिस. अब ये जो एलिमिनेशन है दिस इज एक्चुअली एक्सक्रीशन. तो मैं एक्सक्रीशन को कैसे डिफाइन करूंगी? इट इज एनीथिंग वेस्ट और बाय प्रोडक्ट and the mechanism which is going to eliminate out or exit of this thing from the body, from the cell is actually known as excretion. Excretion basically kya hai? Ke waste ya koi bhi harmful cheez, usually wo nitrogenous products hote hain. They must get eliminated from the body and the mechanism followed to eliminate out this from the cell or from the body is known as excretion. Achha, ab excretion mein dekha jaye to usually jo humare biological molecules hain, usme kya kya aata hai? मैंने आपको फूड से रिलेट किया इसको. तो हमारे पास आता है जी कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, लिपिड्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं और न्यूक्लिक एसिड. ये चार चीज़ें हमारे पास एज अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करती हैं. सो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कार्ब्स एंड लाइक कार्ब्स की बात कर लें, बेसिक है हमारे पास, तो इट इज़ मेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड देन आई एम हैविंग सर्टन नाइट्रोजनस थिंग्स. सो हमारे पास कुछ नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड तो यहाँ मेरे पास क्या है, यूजली नाइट्रोजन कंटेनिंग बाय प्रोडक्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड, राइट. अच्छा अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. यानी एक मेरे पास है जी मोर नाइट्रोजन कंटेनिंग या मोर टॉक्सिक और एक मेरे पास है जी लेस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है. अगर हम मोर नाइट्रोजन कंटेनिंग चीज़ों की बात करें तो मेरे पास क्या क्या आ जाता है? मेरे पास आता है जी अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. और अगर हम लेस नाइट्रोजन कंटेनिंग की बात करें तो उसमें बहुत लंबी फिर लिस्ट है. आई एम हैविंग लाइक क्रेटाइन, आई एम हैविंग क्रेटिनाइन, आई एम हैविंग एलेंटोइन, होप सो इट इज विजिबल. आई एम हैविंग ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड एंड देन आई एम हैविंग लाइक xanthine and having hypoxanthine as well.
ठीक हो गया जी, ये पूरी एक लंबी सी लिस्ट है मेरे पास. अच्छा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं. सो नेक्स्ट में अब जो हमारे पास लेस नाइट्रोजन कंटेनिंग है उसमें बहुत बड़ी सी लिस्ट है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक क्रिटाइन, तो दिस इज़ दी ऑर्गेनिक एसिड. यू मे गेट फेमिलियर विद दिस बिकॉज किडनी के फंक्शन को असेस करने के लिए क्रिटाइन टेस्ट लिया जाता है, और क्रिटाइन से ही फिर आगे जेनरेट होता है क्रेटिनाइन. ठीक है, वाइल टॉकिंग अबाउट इट्स फॉर्मूला इज कंसर्न, तो ये है जी मेरे पास C4H7N4O. एंड इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट क्रेटिनाइन, तो दिस इज C4H9N3O2. और एलेंटॉइन की अगर बात की जाए तो एलेंटॉइन इज लाइक कमिंग फ्रॉम व्हेन यूरिक एसिड इज प्रोसेस्ड इन द बॉडी, तो ये इसका बाय प्रोडक्ट है. इफ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विद द ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, तो ये शायद प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था. ट्राईमिथाइल देखें इसका नाम बता रहे कि एक हमारे पास अमाइन ग्रुप है, थ्री मिथाइल्स आर अटैच्ड एंड वन ऑक्सीजन ऑक्साइड है इसका, तो वन ऑक्सीजन इज देयर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और इस तरह से ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ज़ेंथाइन, तो दिस इज कमिंग फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन्स, degradation of purines. If you people are like forgot about purine, तो purine हमारे पास डी एन ए में जो nitrogenous bases होती हैं दो तरह की, एक हमारे पास ये purines हैं और एक pyrimidines हैं. purines को अगर देखा जाए तो they are double ringed, जबकि जो pyrimidines हैं that are single ringed. अब हम जो हमारे more nitrogen containing compounds हैं इनको देखते हैं with reference to certain environments, कि किस तरह के environment में कौन सा ऑर्गेनिज्म किस नाइट्रोजनस वेस्ट को सिक्रीट आउट करता है. ओके जी, सो कमिंग टुवर्ड्स दी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, नेचर ऑफ सर्टन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू सर्टन एनवायरमेंटल कंडीशंस, जो भी जिस एनवायरनमेंट में कोई भी ऑर्गेनिज्म इज देयर तो वो किस किस्म के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करे, उसकी एक डिटेल पे हैव अ लुक ओवर हियर. अच्छा अब तीन चीज़ें मेरे पास इसमें, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, राइट. और अगर मैं अमोनिया की बात करूँ तो अमोनिया के बारे में दिस इज लाइक soluble in water. It get dissolved in the water and it like interfere with the membrane transport systems. यानी आपने ये पढ़ा है कि जो न्यूट्रल चीज़ें होती हैं वो सेल की मेम्ब्रेन से ईजीली पास ऑन हो सकती हैं. सो अब क्या होता है हमारे पास कि ये सॉलेबल है क्योंकि वाटर के अंदर, और आपने ये पढ़ा हुआ है कि 90% ऑफ साइरोसोल इज वाटर, तो ये डिसॉल्व हो जाता है जी वाटर के अंदर. अमोनिया जो है दैट इज गेटिंग डिसॉल्व इन वाटर, और जब वो डिसॉल्व होने के बाद इट इज मेकिंग लाइक इट इज गोइंग टू एक्युमुलेट इनसाइड द बॉडी और इनसाइड द सेल, और इसने मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्टिव सिस्टम्स को फिर अफेक्ट करना है, नेगेटिवली इम्पैक्ट करना है. सो इट मस्ट नॉट बी एक्युमुलेटेड विद इन द सेल बिकॉज दिस इज हाईली टॉक्सिक एंड दिस इज गोइंग टू इंटरफेयर विद सर्टन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, तो इसको एक्युमुलेट नहीं होना चाहिए. इट मस्ट गेट वेव ऑफ फ्रॉम द बॉडी, द बॉडी मस्ट गेट रिड ऑफ फ्रॉम दिस अमोनिया. सो अब हमारे पास क्या होता है कि अगर हम क्वांटिटी ऑफ वाटर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया टू बी रिलीज फ्रॉम एनी बॉडी इट इज एक्वायरिंग 500 ml ऑफ वाटर. इतना टॉक्सिक है कि इसके टॉक्सिक इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, या इसको आप कह रहे हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए, डाइल्यूशन देने के लिए, हमें 1 ग्राम नाइट्रोजन अगर अमोनिया की फॉर्म में हो तो वी आर एक्वायरिंग 500 ml ऑफ वाटर. सो अगर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी हमें चाहिए तो आपको ये बता रही है इसकी डिटेल ही कि वी कांट अफोर्ड इट इन द टेरेस्ट्रियल मीडियम्स और उन मीडियम्स के अंदर जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम है. सो दिस इज फॉलोड बाय सर्टन प्रोटोजोन्स, जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म हैं. इसके अलावा फिशेस, सिलेंट्रॉन्स इसकी एग्जांपल्स हैं. सो दीज आर, अच्छा जो मैकेनिज्म है अमोनिया को रिलीज करने का बॉडी से दैट इज अमोनोटैली, राइट. द मैकेनिज्म विच इज यूज टू वेव ऑफ दिस और एलिमिनेट आउट दिस फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज अमोनोटैली, वाइल द ऑर्गेनिजम्स फॉलोइंग इट आर नोन एज अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स, राइट.
ओके, कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन विच इज एक्चुअली यूरिया. अब क्या होता है कि जब हमारे पास वाटर इतना सरप्लस क्वांटिटी में या इतने बल्क में प्रेजेंट नहीं है इन द एनवायरनमेंट, तो अमोनिया इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ लेस टॉक्सिक थिंग विच इज एक्चुअली यूरिया. एक्चुअली होता क्या है हमारे पास कि ये जो कन्वर्जन है अमोनिया टू यूरिया, दिस इज लाइक बाय यूरिया साइकिल, ठीक है. और अगर मैं इसकी इसको समराइज करके लिखूं तो दैट इज के टू अमोनिया गेट रिएक्ट विद वन कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक वन मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया, दैट इज NH2 twice CO एंड अलॉन्ग विद दैट इट इज वाटर. सो हमारे पास यूरिया साइकिल के थ्रू दिस अमोनिया इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ लेस टॉक्सिक थिंग विच इज यूरिया. ओके, अगर हम यूरिया की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दिस इज लाइक 100,000 times less toxic as compared to ammonia. अगर मैं इसको अमोनिया से कंपेयर करूँ तो ये इतने गुना या इतने टाइम्स कम टॉक्सिक है as compared to this. अच्छा, ये जो यूरिया साइकिल है this is a sort of detoxification kind of mechanism. राइट, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब यह है कि आप किसी चीज़ के टॉक्सिक इफेक्ट को मिनिमाइज करते हैं. तो यहाँ भी क्योंकि लेस टॉक्सिक से एक चीज़ रियली लाइक रियली लेस टॉक्सिक में क्योंकि कन्वर्ट हो रही है मोर टॉक्सिक से, सो दिस इज़ अ डिटॉक्सिफिकेशन काइंड ऑफ मैकेनिज्म. अगर आपको याद हो तो ये आपने लिवर में पढ़ा हुआ है, फंक्शंस ऑफ लिवर में, फर्स्ट ईयर में डाइजेशन वाले चैप्टर में. ओके, सो दिस इज लाइक दिस टाइम्स लेस टॉक्सिक. एंड इफ वी आर गोइंग टू कंपेयर विद दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, तो हम कहते हैं कि 1 gram ऑफ नाइट्रोजन इफ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया इट इज एक्वायरिंग 50 ml ऑफ वाटर. राइट, सो दिस इज यूजली जो इसमें एग्जाम्पल्स आपके पास आती हैं मैमल्स, हमारे पास सबसे बड़ी एग्जाम्पल है इसके अंदर. और अगर हम यूरिया को देखते हैं तो यूरिया को जो वेव ऑफ करने का मैकेनिज्म है दैट इज यूरियोटैली, और जो ऑर्गेनिजम्स इसको फॉलो करते हैं दे आर नोन एज यूरियोटैलिक वंस, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो इसको वेव ऑफ करते हैं या रिलीज करते हैं बॉडी से. नाउ कमिंग towards the थर्ड वन विच इज़ यूरिक एसिड, तो अगर यूरिक एसिड की बात की जाए तो हम कहते हैं इट इज एक्चुअली नॉट दैट सॉलेबल, इट इज एक्चुअली इनसॉलेबल इन वाटर, इट जस्ट प्रेसिपिटेट आउट फ्रॉम द सोल्यूशन. अगर इसको वाटर में इंटरमिक्स करेंगे तो इट विल मेक प्रेसिपिटेट्स लाइक एंड अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड जिस जो हमें इनाफ होगी इसको रिलीज आउट करने के लिए. यूजली जो हम अगर यूरिक एसिड की बात करें तो हम कहते हैं कि 1 gram ऑफ यूरिक एसिड इज गोइंग टू रिलीज पर डे इन आर बॉडी इन यूरिन. और अगर हम यूरिक एसिड की बात करते हैं टॉक्सिसिटी के रेफरेंस से तो दैट इज़ वेरी रेयरली टॉक्सिक, बहुत लेस टॉक्सिक है. और अगर हम इसकी वाटर की पोटेंसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हम कहते हैं 1 gram ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड इट इज एक्वायरिंग ओनली 1 ml ऑफ वाटर टू बी रिलीज फ्रॉम द बॉडी, इसको सिर्फ 1 ml ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है. राइट, और इसमें हमारे पास बेसिकली इज अ कंसनट्रेटेड यूरिन काइंड ऑफ थिंग, सो दिस इज यूजली अकम्पलिश्ड बाय लाइक बर्ड्स, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल में आ जाते हैं. अगर हम यूरिक एसिड को वेव ऑफ करने की बात करते हैं तो दी मैकेनिज्म विच इज फॉलोड इज नोन एज यूरिकोटैली, एंड दी ऑर्गेनिजम्स विच आर गोइंग टू रिलीज यूरिक एसिड एज देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर नोन एज यूरिकोटैलिक वंस. सो हियर इट इज कंप्लीटेड, आई थिंक नो पॉइंट लेफ्ट. एंड नेक्स्ट हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक एट द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस. और उसमें आपके पास चार चीज़ें हम पढ़ेंगे, 4 components हैं, अ पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर, 4 things आर देयर. और ओके, अभी हम इसको देखते हैं और साथ साथ फिर इसकी लेबलिंग भी कर लेते हैं. सो नंबर वन, मैंने कहा कि मेरे पास क्या है, अ पेयर ऑफ किडनीज.
This pair of kidneys is present in the 12th thoracic, like from the 12th thoracic vertebrae to the third lumbar one. ओके अब वर्टिब्राए बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम के पार्ट्स हैं. आपके पास टोटल 33 वर्टिब्राइज हैं ह्यूमंस के केस में. टोटल 33 वर्टिब्राइज हैं. उन 33 में हमारे पास जो सर्वाइकल पोर्शन है, जो नेक वाला पोर्शन है, दोज आर बेसिकली सर्वाइकल वर्टिब्राए एंड दोज आर 7 इन नंबर. देयर आर देन नेक्स्ट वन जो थोरेसिक कैविटी के पीछे जितने भी वर्टिब्राए हैं वो हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्राए हैं और वो 12 इन नंबर हैं. फिर हमारे पास देयर आर पेल्विक एंड लंबर एज वेल. सो हम कहते हैं कि जी हमारे पास जो किडनीज हैं वो 12 थोरेसिक वर्टिब्राए से स्टार्ट होते हैं, अगर उसकी लोकेशन आप देखते हैं तो, और थर्ड लंबर वर्टिब्राए तक किडनीज प्रेजेंट हैं दोनों. नाउ द राइट किडनी इज अ बिट लाइक लोअर एज कम्पेयर टू द लेफ्ट वन. यूजली इट इज़ लाइक 1.5 to 2 सेंटीमीटर लोअर और वो इसलिए है बिकॉज एट द राइट साइड यू हैव अ मेजर लोब ऑफ द लिवर. सो दैट इज़ वाई हमारे पास जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड है. ओके दो पेयर्स हैं जी किडनीज के. लोकेशन आपने देख ली है अकॉर्डिंग टू द वर्टिब्रल कॉलम. किडनीज के ऊपर वी आर हैविंग दे आर लाइक कवर्ड विद ग्लैंड्स एंड दीज ग्लैंड्स आर नोन एज एड्रीनल ग्लैंड्स, राइट. अब ये वाला जो पोर्शन है, ये जो फनल शेप किडनीज का पार्ट है, यहाँ से आपके पास दिस पार्ट इज एक्चुअली पेल्विस. अब इस पार्ट से हमारे पास देयर आर टू कैनाल्स विच आर यूरेटर्स. अब यूरेटर्स तकरीबन 25 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, राइट. अगर हम किडनी को देखते हैं तो किडनी इज एग्जीक्यूटिंग अबाउट 1% ऑफ द टोटल बॉडी वेट. जो हमारी बॉडी का टोटल वेट है उसका सिर्फ 1% किडनीज ने लिया हुआ होता है. एंड दे आर रिसीविंग 20% ऑफ द टोटल ब्लड विच इज कमिंग इन अ सिंगल कार्डियक बीट. एक हार्ट बीट में जितना ब्लड पास ऑन होता है बॉडी से उसका सिर्फ 20% किडनीज आर गोइंग टू रिसीव, राइट. एंड दे आर एग्जीक्यूटिंग ओनली 1% of the total body weight. Okay, from this funnel shaped thing there are two tube like structures which are basically known as ureters. These ureters are coming downward in peristaltic manner and they are going to merge in, yeah, they are going to fall in the urinary bladder. Urinary bladder is a thing which is like muscular and it is distensible hollow kind of cavity thing. और ये जो ureters हैं ये basically आपको बने हुए books में ऐसे नजर आते हैं, but they are coming in the urinary bladder from the back side of it, right? And afterwards we are having an ejection point which is actually urethra. This urethra in the males is like surrounded by prostate gland. If this is the urethra, this is like hold up, or this is like surrounded by the prostate gland. And in females it is a bit shorter, in males it is a bit longer. So ye char parts hai hamare paas human excretory system ke. A pair of kidneys, ureters which are falling down in a peristaltic manner in the muscular structure which is actually urinary bladder, and last one is the ejection point which is urethra. So that's all from today's lecture. Aur aap isko ek dafa व्यू ले लें इसका, और जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम्स हैं यू कैन आस्क इन योर रेलेवेंट क्यूरी सेशन. होपफुली यू आर गेटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. थैंक यू.